नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर लगभग एक माह पूर्व बस एक्सीडेंट में स्कूली छात्रों की मृत्यु को देखते हुए उनके परिवारजनों को मुआवजा व ट्रेवल्स को लेकर सभी बच्चों की सुरक्षा व दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक बार फिर जनपद के प्रमुख समाज सेवी व हिंदू महासंघ के संरक्षक मनीष चौधरी के नेतृत्व में शिव चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। काफी देर तक जब पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो शिव चौक पर ही सांकेतिक जाम लगा दिया गया। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पूर्व समाज सेवी टीम ने अपनी पूरी टीम के साथ शिव चौक एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रशासन ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एक सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन दो सप्ताह के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और इसी तरह एक सप्ताह और बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। त्योहार के मद्देनजर हिंदू महासंघ व समाज सेवी टीम ने अभी तक अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन आज फिर से धरना देने को बाध्य होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हिंदू महासंघ व समाज सेवी टीम ने पहले ही कह दिया था कि अगर बच्चों के परिवारजनों को मुआवजा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हिंदू महासंघ व समाज सेवी टीम शिव चौक पर धरना प्रदर्शन करेगी। ये एक समाज सेवी टीम और हिंदू महासंघ, एक जो संस्था है, इन लोगों की ये 6 सूत्री मांगे हैं, अलग अलग विभाग से संबंधित हैं, सफाई और मेडिकल की सुविधाओं को लेके, कानून व्यवस्था को लेके ये ज्ञापन इन्होंने 6 दिए हुए हैं। पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र था, तो इसमें ये कार्रवाई क्या हुई उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, जानकारी इनको उपलब्ध करा दी जाएगी, जो कार्रवाई हुई उससे इनको अवगत करा दिया जाएगा। मांगे थी धरने ने वो पूरी ना होने के कारण आज हमें मजबूरन में यहाँ धरना स्थल पर दोबारा सीटों पर बैठना पड़ा है, जिसमें दोपहर से लगाकर के कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में नहीं पहुँचा, लेकिन शाम के समय जब हमारा सभी का विरोध ज़्यादा होने लगा तो सिटी कोतवाल से हमारे इंस्पेक्टर साहब जी यहाँ पर आए और उनके आश्वासन पे हमने रोड से जो हमारे मातृशक्ति और जितने हमारे साथ के थे उसमें एक सांकेतिक जाम आज हमने लगाया है। ये सांकेतिक जाम कल को कहीं बड़ा जाम ना बन जाए और बहुत इसका विरोध जो भी हमारा चल रहा है किसी गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन प्रशासन ने आज मुजफ्फरनगर तहसीलदार को हमारे बीच में यहाँ पर भेजा है और उन्होंने फिर दोबारा एक सप्ताह का समय, जैसे कि पहले मांगा गया अधिकारियों द्वारा कि एक सप्ताह का समय मांगा गया, आज भी उन अधिकारियों द्वारा एक सप्ताह का समय मांगा गया है। देखते हैं कि आने वाला समय क्या बताता है, वो हमारे जनता के साथ है या सिर्फ कागजी कार्रवाई के साथ है। मनीष जी, स्वास्थ्य संबंधित आपने कार्रवाई की जिसमें ईओ ने, नगर पालिका ने ईओ पर थापा मारा था और बस से जो आपकी जुड़ी आपकी जो मांग है पूर्व पर पुलिस द्वारा वार्ता करना बहुत उनका आभार का काम है, उन्होंने किया और जनता के बारे में सोचा, लेकिन ये चीज़ मुख्य मांगों पर आपके हमारी जो मुख्य मांगी है उसमें जो कुछ मांगे प्रशासन द्वारा मांगी जा रही है और उसको मान भी ली गई है, लेकिन कुछ हमारी उसमें मांगे रह रही है जिसका खुला विरोध आज यहाँ पर किया गया वो भी धरने के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को लग रहा है कि हमारे मांगे वाकई में ही जन आंदोलन के साथ सत्य हैं और उन पर कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए, और अगर एक सप्ताह के बाद दोबारा कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपसी रणनीति बनाकर पूरी टीम बैठ कर इसमें विचार विमर्श करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इससे भी तगड़ा विरोध प्रदर्शन करने के लिए तत्पर है। और इस बार हम सिर्फ शिव चौक पर यहाँ पर नहीं, शायद जगह जगह हमारे कार्यकर्ता अलग तरीके से बैठेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।